बस आकाश बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अरे मोना पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? मुझे पता तू ऐसा ही करेगा। वेटर बिल लाना। चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ऐसे बोल के माफ कर दो। मुझे तुम्हें जाने देने का मन नहीं है। इस बार अगर मैं कॉलेज नहीं गया तो मैं जाने सकता नहीं हूँ, और इस बार मुझे एक भी सब्जेक्ट में इंटीग्रेटिव नहीं चाहिए। चलो निकलता हूँ, वक्त मुझे कॉल करूँगा। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, तुम्हारी श्वेता से बात हुई? उससे तो पूरे हफ्ते बात नहीं हो पाई है, कॉलेज में भी एक दो बार ही मिली थी। मुझे लगता है वो कुछ परेशान है। क्यों? अरे वो मुझसे बात नहीं कर रही, ना फोन उठा रही थी ना टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही थी। अजीब है, पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। एक काम करते, तुम हमारे कॉलेज में आ जाओ, कल उसे मिलकर बात करते। हाय, कैसी है तू? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, ठीक हूँ। यार कुछ नहीं, बस थोड़ी बिजी हूँ। आकाश सर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। यार कुछ नहीं हुआ है, सुन मेरा बैग यहाँ पे है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मोना तुम्हारा इंतजार कर रहा, मैं फ्रेश होकर। अब तो बताएगी भी क्या हुआ है तुझे? दिशा तुझे पता है ना, मैं आकाश को पिछले 12 सालों से जानती हूँ और अब 5 साल हो गए मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। हाँ ये पता है मुझे, तो हुआ क्या? अरे मेरी फ्रेंड मोना आकाश से प्यार करने लगी है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब इस बात को 1 साल हो गया है और मुझे लगता है मोना आकाश को चीट कर रही है। ये मुझसे अब नहीं देखा जाता। आकाश को मैं चाहती हूँ, मैं उसे सबसे अच्छे से जानती हूँ, उसे मैं प्यार करती हूँ। यार अब मेरे पास तेरे इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। तुम सच में आकाश से प्यार करती हो? बोला तुम भी जानती हो, मैं पिछले 12 साल हो गए मैं उससे दोस्त, पिछले 5 सालों से मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उसे ये बताया नहीं क्योंकि वो मेरे साथ दोस्ती तोड़ देता। पिछले साल जब तुम हमारे कॉलेज में आई तब मैंने तुम्हें उससे मिलाया, तुम्हें 2 महीनों में उससे प्यार भी हो गया और तुम रिलेशनशिप में भी आ गए। मोना वो मेरा था, मेरा। श्वेता? क्या श्वेता, चलो उसे खुश देख कर मैं सब कुछ भुला दी और तुम दोनों के लिए मैं सच्ची में खुश थी। पर पिछले हफ्ते जब मैं तुम्हारे कॉलेज में आई थी तब तुम जतिन के साथ कॉफ़ी पी रही थी और तुम्हें मुझे बताया कि तुम ग्रुप प्रोजेक्ट कर रही थी, और ये बात पता है कि आकाश को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। श्वेता वैसा नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। मोना बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ आकाश को बताने।
अरे मोना उस दिन बाहर हैंग आउट कर रही थी, कॉफी पीने गई थी जतिन के साथ। हाँ पता है इन्ना। आकाश वो सब सच था बट आधा सच। मतलब उस दिन वो लोग कॉफी पीने गए थे, वो लोग हैंग आउट कर रहे थे और जतिन को वो पसंद भी है पर इसने मना कर दिया बिकॉज शी ट्रूली लव्स यू। सॉरी यार मेरे वजह से तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आज से मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करूंगी। For you having me back and you having such a great best friend.